रखी जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि सांप अब ये पहली बार दोस्तों आप देखोगे। ये पेपर मिल का फिल्टर हाउस है, बताते हैं यहाँ एक सांप ने दूसरे सांप को खा लिया है, तो हम लोग आए हैं देखते हैं क्या होता है। दोस्तों यह वीडियो कुछ अनोखा होने जा रहा है क्योंकि इसमें ऐसे सांप को हम रेस्क्यू करने जा रहे हैं जिसने ऑलरेडी एक अपनी ही प्रजाति के सांप को खाया हुआ है। तो चलिए यह हिलती हुई झाड़ियों को देखते हुए मैं जा रहा हूँ, अभी मैं इसको यहाँ से निकाल कर लेकर आऊंगा तो कैसा नजारा हमें देखने को मिलेगा आपको पता चलेगा। चलिए बने रहिए वीडियो में, भरपूर मनोरंजन और एडवेंचर का सामना होने वाला है। वो जो पौधा हिल रहा ना, हाँ यार वो तगड़ा तगड़ा एकदम। ये धामिन धामिन है, इस धामिन ने एक सांप को ही खा लिया है और इतना बड़ा धामिन। ये इसने अभी सांप को ही खा लिया है। जायंट सांप ही निकाल रहा है। हाँ देखो वो भी जिंदा है, वो भी जिंदा है। ये पहली बार दोस्तों आप देखोगे। लेकिन लेकिन भाईजान इन्हें सीधा कैसे हुआ अंदर, ये सोचने वाली बात है। तुम सिखाया ये? ये दोस्तों पहली बार आप देखोगे एक बहुत ही विशाल काय दामन अपनी ही प्रजाति के छोटे दामन को निगल रहा है, उसे अपना निवाला बना रहा है। दोस्तों ये प्रक्रिया कहलाती है कैनिबैलिज्म और बहुत बार सांपों में ये देखी जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि सांप अपनी ही पूंछ को अपना निवाला समझकर निकलना शुरू कर देता है और बहुत देर बाद जब उसे अगर कोई बचाए तो कई बार ऐसा भी देखने को मिला कि उसकी अपनी ही पूंछ उसके अपने पाचन तंत्र में गलना शुरू। तो आज आप लाइव देखिए कितना रोमांचक है ये। अभी देखो इसके ऊपर तक आया वो, आता गया अभी डालने के बाद में भी जा बा अंदर जा। तो अभी इसके अंदर जाने के बाद में बाहर निकलने के चांसेस कम है, तो जंगल में जब रिलीज करते उस वक्त इसको बाहर निकालता है या नहीं हमको पता नहीं, लेकिन हम चाहेंगे कि इसको ये बाहर ना निकाले। ठीक है, अभी एक बार निकालने की कोशिश कर रहा था, फिर से वापस इसको ट्राई करके अंदर निकल लिया है, जिससे कि ये हो सकता है इसको खा ले, तो अभी इसको हम लोग जंगल में छोड़ देते हैं। तो बने रहिए वीडियो में, इसको रिलीज करने का भी हम आपके साथ में वीडियो शेयर करेंगे। तो रजाक भाई आ चुके हैं हम लोग आजाद करने, भागने की कोशिश कर रहा है। हाँ इसका मतलब इसको समझ गया, उजाला दिख रहा है इसको, कपड़ा और जो रोशनी को है ना थोड़ा बहुत पार करता है, इसके लिए इसको इधर रोशनी दिखने की वजह से इसकी हलचल शुरू हुई। तो साथियों अभी हम लोग उस सांप को छोड़ रहे हैं जिसने अपनी ही प्रजाति के एक सांप को निगला हुआ है,
इसके अंदर इसको बाहर निकाला या इसको पेट में ही रखा हुआ है, इसका आहार अगर ये खाकर पचा ले तो हमें खुशी होगी, लेकिन अभी थैली की पिटारा खुलने के बाद मालूम पड़ेगा कि क्या होता है। तो चलिए तैयार हो जाइए देखने के लिए। तो मैं बोलना चाहूँगा खुल जाओ सिम सिम। तो अभी हम इस सांप को बाहर निकालने वाले हैं। तो हम सब खड़े रहते हैं एक ही जगह पे स्टिल। तो अभी ये नहीं निकाला ना शायद, ये इसको निकला हुआ ही है, ये इसको अभी बाहर आने के लिए रास्ता नहीं मिल रहा। ये इसका पूछ बाहर आ रही, ये देखिए बड़ा है। क्या देखो ये कितनी तेज है, घोड़ा है, घोड़ा घोड़ा पछाड़, इसीलिए बोलते हैं स्पीड में घोड़े को भी पछाड़ देगा ये। कितना उछल रहा है, कितना उछल रहा है, देख भाई यार क्या महीना। ये देखिए इसका पेट कितना फुला हुआ है, ये एक सांप को निगला हुआ है, और वो सांप भी एक इसी की प्रजाति का धामन सांप है जिसको इसने निगला है। तो इसकी एक झलक आपको इसको जब मैंने रेस्क्यू किया था उस वक्त में दिखाई दी होगी कि इसने कैसे सांप को निगला है। वो उसके पेट में से बाहर आके झांक के हमको कुछ कह के गया कि मैं इसके पेट में हूँ। तो वो भी बचना चाहता था, लेकिन हम इसका आहार इसके बाहर ना निकाले इसका हम लोगों ने प्रयास किया, जो जिसमें हम सफल हुए। और ये देखिए अभी कैमरामैन की तरफ देख रहा है और उनका शुक्रिया अदा कर रहा है कि इसको हम आज़ाद कर रहे हैं और इसका जो भोजन है इसको खाने दे दिए। तो चलिए मैं इसको अभी रिलीज कर देता हूँ, छोड़ देता हूँ यहाँ पर। कितने फास्ट से भागता है आप देख सकते हैं। सर ये राजधानी एक्सप्रेस की तरह चला गया, बहुत स्पीड है और खुश हो गया वो कि कुदरती वातावरण में उसको जीवन अगला मिल गया, अभी अपना जीवन यापन कर लेगा यहाँ पे। इसके अंदर तो नहीं है, नहीं नहीं मतलब इसका निकाला नहीं, निकाला नहीं। तो चलो फिर, तो चलो ऐसी भी बातें मैं आपके साथ में वीडियो के जरिए शेयर करता रहूँगा। कुछ कुछ नए नॉलेज हमको मिलते रहते हैं तो मैं आपको बताता रहूँगा। तो इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मैं वसीम सलीम और हमारे प्रिय मित्र प्रवीण कपूर सर जो अभी कैमरा हाथ में लिए हुए हैं, तो उनके साथ विदा लेता हूँ यही कहते हुए, सेव नेचर सेव स्नेक सेव एनिमल।